सो गाइस ये बेसिक सामान निकाला भैया ने, इसमें स्टोव है और कुछ लाइट करने के लिए जो मतलब फायर लाइट करने के लिए सामान है, तो वो दिखा रहे हैं भैया खोल खोल के। गाइस ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हैं जो कि एक ये भैया दिखाते हैं, ये सोलर पैनल वाली है, चार्जेबल है। अच्छा ट्रैकिंग बैग, तो हाँ इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए भैया। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम जा रहे हैं दिल्ली। मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ सामान खरीदना है रिलेटेड टू कैंपिंग, जैसे कि स्लीपिंग बैग एंड अदर स्टफ। सो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ आज। सो शास्त्री नगर दिल्ली में एक शॉप है बहुत अच्छी, बेसिकली वो अपना खुद का ही मटेरियल बनाते हैं। सो उन्हीं के पास जा रहा हूँ मैं, और जाने के बाद वहाँ पे जो भी चीज़ें हम देखेंगे सारा मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊँगा उनके पास क्या क्या वेराइटी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में और क्या क्या वो सेल करते हैं। सो बने रहिए ब्लॉग में। अभी मैं करंटली ऑन द वे हूँ कश्मीरी गेट पे, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलने वाला है, उसके साथ मैं जाने वाला हूँ ये ब्लॉग करने के लिए। सो सामान भी लेना है साथ में आपके लिए, थोड़ा सा दिखा भी देंगे कि क्या क्या उनके पास करंटली स्टॉक में अवेलेबिलिटी है रिलेटेड टू कैंपिंग, सब कुछ, कैंपिंग टेंट से लेके हर चीज़। सो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस फाइनली मेरा दोस्त आ गया है, ये रहा दीपक। तो आज इसी के साथ मैं अपना व्लॉग कवर करने वाला हूँ। अरे वाह वाह, हेलो हेलो। कितना टाइम लगा आने में? डेढ़ घंटा लग गया कम से कम। डेढ़ घंटा से दो घंटा। चलो तो गाइस अब हम पहुंचते हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे, और वहां जाके आपको मैं बाकी का व्लॉग दिखाता हूँ। सो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे विनायका सेल्स पे, ये शास्त्री नगर में अपना दिल्ली में है जगह, पर्टिकुलर लोकेशन। और मेरे साथ हैं भैया यहाँ पे। हाँ जी, थोड़ा डिटेल दे दीजिए अपने बारे में। हमारी शॉप का नाम है विनायका सेल्स। विनायका सेल्स ये हमारी शास्त्री नगर में है, शास्त्री नगर जो की रेडलाइन मेट्रो स्टेशन पे पड़ता है, मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में हमारी शॉप है। नियर बाई हमारे रेलवे स्टेशन पे सराय रोला रेलवे स्टेशन पड़ता है। न्यू दिल्ली पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आते हो तब भी वहाँ से आपको बाई ऑटो 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है। और मेट्रो से आ रहे हो तो शास्त्री नगर मेट्रो से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। और अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो आप प्रेफर करते हैं गाड़ी से आ जाओ, डायरेक्ट हमारी दुकान के बाहर पार्किंग की व्यवस्था है, आप दो गाड़ी चार गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हो। सो अभी शुरू करते हैं और दिखाते हैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट। सो गाइस ये बेसिक सामान निकाला भैया ने, इसमें स्टोव है और कुछ लाइट करने के लिए जो मतलब फायर लाइट करने के लिए सामान है, तो वो दिखा रहे हैं भैया खोल खोल के। मैं आपको तो स्टोव दिखा देता हूँ। हाँ। पहले ये होता है कैंपिंग स्टोव जी, ये उठे इधर, ये कैंपिंग स्टोव है जी, ये 750 रुपए का है विद ब्यूटेन। ओके। ये ब्यूटेन 3.5 से 4 घंटे चलती है। ठीक है। इसमें हमारे पास ये एक स्टोव मिल जाएगा आपको, छोटे वाला पोर्टेबल है ये। इसी में और एक जो आता है बड़ा सूटकेस वाला, तो आपने देखा होगा ये सूटकेस वाला, भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये ऐसा सूटकेस वाला स्टोव होता है, या फैमिली के साथ या बाइक कार में जा रहे हो तो उसके लिए आपको बेस्ट है। इसमें आप ब्यूटेन वो वाली ब्यूटेन भी लगा सकते हो सिलेंडर के साथ ये वाली, और अपने घर में जो एलपीजी चूल्हा होता है ना वो वाली चूल्हा भी इसमें आप लगा सकते हो। मतलब ये मल्टीपर्पज हो गया कि अगर आपको घर में यूज करना है डेली घर में यूज कर लो, कैंपिंग में यूज करना है कैंपिंग में यूज कर लो जी जी। ये 1650 रुपए का। ठीक है ठीक है। इनका भैया का सामान। सो गाइज ये भैया इसको थोड़ा सा अभी बंद करके दिखाएंगे किस तरह से इसमें गैस निकलती है और किस तरह पावर होती है इसकी। ये लगा दिया, ये देखिए गाइस कितना अच्छा फ्लेम निकल रहा है इसके अंदर से। सो ये भैया आपके हिसाब से एक सिलेंडर कितना बैकअप दे देता है? 3 से 3.5 घंटे। 3 से 4 घंटे भी चल जाता है, पर 3.5 घंटे गारंटी है। मतलब अगर फुल फ्लेम पे चलाओगे तो 3.5 घंटे, वरना 4 घंटे तक चल जाता है। हल्के फ्लेम पे तो और बढ़ जाएगा। ये इस वाले स्टोव में भी यही है, 4 घंटे की कैपेसिटी है इस वाले स्टोव में भी, यही 4 घंटे की। और ये आपने बताया 750 का विद सिलेंडर, विद सिलेंडर, ये विदाउट सिलेंडर 1650। 1650 हाँ जी। ओके ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हैंड ग्लव्स। ये हैंड ग्लव्स, ये आप ग्लव्स देख रहे होंगे, ये बाइक राइडिंग में भी काम आ जाते हैं और वैसे भी आप चला यूज कर सकते हो। ये 150 का है, विंटर्स के पर्पस। हाँ जी विंटर्स के पर्पस। ये 150 का ग्लव्स है। ओके। इसमें भी हमारे पास सारे साइज मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको। ठीक है ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास छोटा मल्टी नाइफ, मल्टीपर्पज नाइफ। हाँ जी ठीक है। ये छोटा नाइफ होता है, ये ऐसा नाइफ हो गया, आप इसको ऐसे पॉकेट में भी टांग सकते हो,
और इसको वैसे भी यूज कर सकते हो आप सब्जी वगैरह काटने के लिए, और ये कैंपिंग में बहुत जरूरी आइटम है। तो इसका कितना कॉस्ट रहता है? ये 200 रुपए की आइटम है। 200 रुपए? हाँ जी। ओके ओके। उसके बाद आपको हमारे पास ये विंटर्स वाली सॉक्स मिल जाएंगी। हाँ ठीक है। ये चकमक मिल जाएगी आपको, जो सबसे जरूरी आग लगाने के लिए, जहाँ लाइटर माचिस कुछ भी काम नहीं करता। हाँ, तो मतलब ये स्पार्क जनरेट करता है। हाँ जी हाँ जी। देखो और करके दिखाता हूँ। ये स्पार्क के थ्रू आप अपना आग जला सकते हैं, बोनफायर अगर करना है आपको कहीं पे। ठीक है गाइस, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हैं, जो कि एक ये भैया दिखाते हैं, ये सोलर पैनल वाली है, चार्जेबल है। ये सोलर लाइट है, जैसे आप इसको अगर टेंट में यूज कर रहे हैं टॉर्च जी, तो आप इसको ऐसे टॉर्च यूज कर लो। ठीक है। और जब आपको लगानी हो कैंप के अंदर, हाँ जी, तब आप इसको कैंप के अंदर टांग सकते हो। ठीक है। और इसका जो सोलर पैनल है वो ऊपर रहता है, ये सोलर पैनल है, यहाँ पे धूप से भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर ये चार्जर है, बिजली में लगा के भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। ठीक है। और बैकअप कितना आवर? 7 से 8 घंटे का बैकअप है कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू। ठीक है ठीक है। और उसके बाद आपको मिल जाएगी छोटी वाली एक और टॉर्च जी, यूएसबी वाली टॉर्च। उसका कॉस्ट कितना है? ये 500 रुपए की, 500। ठीक है। ये छोटी यूएसबी टॉर्च है। ठीक है। ये ऐसे जूमिंग का ऑप्शन हो गया इसमें जी, और ये ब्लिंक हो गया। और ये आपका एक ये हो गया। हाँ, इसको अगर कैंप में अगर टांगना चाहे किसी तरीके, इसके अंदर ये डोरी होती है, कैंप के अंदर टांग भी सकते हो रोप के थ्रू इसकी। हाँ जी हाँ जी। ये छोटी सी रोप इसमें लगा के आप अपने टेंट में भी टांग सकते हो। ये 350 रुपए की, 350। सो भैया आप आ गए अंदर, और यहाँ पे ये हमको दिख रहा है बहुत अच्छा ट्रैकिंग बैग, तो हाँ इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए भैया। ये 65+10 लीटर का साइज होता है। ओके। 65+10 तो 10 होगा, ये छोटा वाला जो ऊपर है इसके, जो ऊपर डिटैचेबल है। ओके। पूरा आप डिटैच कर सकते हो। ये 10 लीटर का है। ठीक है। 65 लीटर का ये पूरा बैग है। ठीक है। और इसके अंदर आप पीछे देख पा रहे होंगे कितनी हैवी पैडिंग है। हाँ करेक्ट करेक्ट। अंदर इसके लोहे का फ्रेम डला हुआ है, नीचे इसमें वाटरप्रूफिंग के लिए रेन कवर अलग से। ओके। ये जो यहाँ पे पूरे बैग को रेन कवर कर लेगा, पीछे लोहे का फ्रेम भी है। हाँ। 10 लीटर का बैग अलग से। ठीक है। तो 1650 रुपए का बैग। तो इसके अंदर ही वो आपकी कुछ एक रॉड रहती है, लोहे की रॉड है, देखो मैं दिखा। उसका बेनिफिट क्या होता है बेसिकली? रॉड का बेनिफिट ये है कि ताकि आपने बैग टांग रखा है तो कमर पे वजन ना आए। अच्छा। आपको स्ट्रेट खड़ा रहे। ओके ओके। हाँ जी। ये देखो इसमें पीछे लोहे की रॉड होती है, यहाँ पे ये डली हुई है रॉड। सो ये यहाँ पे रॉड है अंदर। हाँ जी। ये रही, ये बैक बोन को सपोर्ट करती है बेसिकली, आप दुखेगी नहीं बैक चलते हुए। ठीक है ठीक है। और साइज है पूरा वाटर प्रूफ, 6 कलर मिल जाएंगे। 6 कलर्स। ये ग्रीन कलर है, आप देख ही पा रहे होंगे स्टॉक हमने लगाई रखा है। बात करें अगर वाटर प्रूफिंग की तो 100% वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है पूरा। हाँ जी। रेन में मतलब साथ में आप कुछ स्टफ देख पा रहे होंगे ना, कितना क्वालिटी है। हाँ 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 करेक्ट करेक्ट। फील कर पा रहे होगे कि क्वालिटी क्या है। तो अगर रेन कवर लगा रहेंगे एक्स्ट्रा प्रूफिंग हो जाएगी। बैग वाटर प्रूफ है फिर भी नीचे रेन कवर है, उसके और आपको सेफ्टी हो जाएगी, डबल सेफ्टी। ठीक है ठीक है ठीक है। आ गई जैकेट समझ। जैकेट। ओके। ये ऐसी जैकेट होती है। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये बाइकिंग के लिए या विंटर्स में आपको जाना है स्नो में। हाँ, स्नो में यूज करने के लिए जैकेट होती है। करेक्ट। कैप इसमें रिमूवेबल है। और अंदर की जो ये लेयर आपने बनाई है, ये वाटर प्रूफिंग के लिए होती है, और जैकेट पूरी वाटर प्रूफ है। अच्छा। पानी रुकेगा नहीं, पानी घुसेगा नहीं। 1050 से लेके 1450 रुपए तक की रेंज है। ठीक है ठीक है। जैसे आप लोगे वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये मैट्रेस। हाँ, ये हो गया हमारा स्लीपिंग मैट। स्लीपिंग मैट टेंट में, इसका वेट देखो आप, बिल्कुल 200 ग्राम वजन है इसका। ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है भैया? 12 mm मोटी है। 12 mm। हाँ जी। सो मतलब कोई पत्थर चुभने का कोई इशू नहीं है इसमें? कोई मतलब नहीं। ठीक है। और इसकी बात करें लंबाई की? 6 फीट। 6 फीट की इसकी लंबाई है। कलर्स यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप, ऊपर हर तरह का इनके पास कलर अवेलेबल है, तो उसका कोई इशू नहीं होगा आपको अगर जो भी कलर चाहिए हमारे पास रोज नए नए। और ये इसकी एक थ्रेड हो गई जिससे होल्ड कर सकते हैं हाथ में उसके लिए। ओके। 350 रुपए की आइटम है। ठीक है। 350। उसके बाद आपको आ जाती है ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट ट्रैकिंग के लिए। हाँ, ये पैंट हो गई। हाँ जी। ये वाटरप्रूफ होती है जिसमें भी हमारे पास LML XL सारी साइजेस आपको मिल जाएंगे। और कलर्स की बात करें अगर? 10 कलर मिलेंगे आपको। 10 कलर। ये एक हो गई, इसमें प्लेन वाले भी आती है, वैरायटीज बहुत है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये हाइड्रेशन बैग। हाँ। ये आप इसको साइकिलिंग में या उसमें जा रहे हो तो बैग को टांग सकते हो। हाँ। साथ में इसमें 2.5 लीटर की पानी की बोतल होती है। ठीक है। ये 2.5 लीटर की वाटर बोतल है इसके साथ में अंदर। ठीक है। ये पानी आप चलते चलते पीने, और चाहो तो आप खाली बोतल भी ले सकते हो राइडिंग के लिए। अच्छा। ये बैग आप लेते हो पूरा तो 850 रुपए का है। ठीक है। खाली बोतल लेते हो तो 350 रुपए का। 350 का। हाँ जी। तो बेसिकली इसको अगर आप अपने कैंप पीछे बैग में भी लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ से भी हाइड्रेशन। ठीक है।
उसके बाद और आइटम आप देख रहे हो गए, ये इसकी बात करें तो इसका होल्डिंग बॉटल है, हाँ ये 200 रुपए की होती है, 5 लीटर वाली, 5 लीटर। अच्छा, और इसका कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 200 रुपए, 200 की है ये। उसके बाद आ जाता है बाइक के लिए सैडल बैग, सैडल बैग हाँ काफी इम्पोर्टेंट। ये मैं आपको लेफ्ट साइड का दिखा रहा हूँ, इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, इसी में ये आपको राइट साइड में मिल जाएगा, ये राइट साइड। ये बैग की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, वाटर प्रूफ है और ये 40 लीटर के हैं दोनों। ओके, 40 लीटर की कैपेसिटी के साथ बाइक में, एक लेफ्ट में लगता है, एक राइट में लगता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल होता है, किसी भी बाइक में लग जाता है, ठीक है। चाहे आप स्प्लेंडर पे लगाओ, चाहे आप बुलेट पे लगाओ, चाहे आप हार्ले पे लगाओ, चाहे आप ड्यूक पे लगाओ, ठीक है, जिस मर्जी बाइक पे आप लगा सकते हो। इसमें रेन कवर होता है और यहाँ भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये 2500 की है। तो और बात करें पानी की, वाटर प्रूफिंग का लेयर भी अलग, कवर इसमें अलग से मिल रहा है। अच्छा, इसमें भी रेन कवर है? हाँ जी, साथ में रेन कवर, ठीक। चेयर की भी काफी अच्छी चेयर दिख रही है, ये फोल्डिंग चेयर होती है जी, ये आप देख पा रहे होंगे, फोल्डिंग चेयर है। इसको आप चाहो तो ऐसे पैक कर सकते हो, हाँ जी, और कवर में टांग के अपना चल सकते हो, मतलब 150 किलो तक की कैपेसिटी है और बैठने में कंफर्टेबल है ये, ट्रैवलिंग चेयर। हाँ जी, ये देखो बिल्कुल कंफर्टेबल है, आप अपना चाहो तो पैक रख सकते हो यहाँ पे, चाहे चाय का गिलास रख लो, करेक्ट करेक्ट, जो मर्जी रख सकते हो, करेक्ट करेक्ट। और बात करें, ये भी मतलब आपकी ही मैन्युफैक्चरिंग, हमारी खुद की बनाई है, आप ऑनलाइन ऑनलाइन में देखोगे सब चाइना वाली मिलती है, ये इंडियन है, 150 किलो की कैपेसिटी है गारंटी से, और गेज का पाइप लगा हुआ है। बात करें प्राइसिंग की, 950 है, 950। इसमें भी हमारे पास रेड ब्लू ब्लैक चार पांच कलर मिल जाएंगे। ये हमारे पास आ गया है फोल्डिंग स्टूल, ये भी फोल्डिंग स्टूल है, ये 350 रुपए का, इसमें भी आप आराम से ऐसे बैठ सकते हो। इसका मैक्सिमम वेट कितना है? 150 किलो, 150 किलो तक ये थोक बजा के हैंडल कर लेगा, ये टूट जाए तो अपना लियाना वापस। गाइस, अब भैया हमको दिखा रहे हैं तरह तरह के स्लीपिंग बैग, सो अलग अलग वैरायटी इनके पास, तो अभी प्राइस के साथ देखते हैं किस किस तरह की अवेलेबल है इनके पास अभी। तो ये सबसे पहले कौन से टेम्परेचर वाला है? 500 रुपए के लिए, ये 0 डिग्री कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, 1 किलो इसका वजन है, ये 500 रुपए की रेंज में आएगा आपको स्लीपिंग बैग। ये आप देख रहे होंगे वाटर प्रूफ है, और सबसे मेन हमारे पास स्लीपिंग बैग में आपको जो लेंथ होती है वो 7 फीट मिलेगी आपको, 7 फीट। छोटा कोई भी स्लीपिंग बैग नहीं मिलेगा, कोई चोर साइज नहीं मिलेगा, सबका स्टैंडर्ड साइज मिलेगा। ये सबसे पहला, हाँ जी, स्टार्टिंग कैटेगरी है 500 रुपए की, जो 10 डिग्री तक के लिए चलता है नॉर्मल ठंडी के हिसाब से, ट्रैवलिंग में, बस में, ट्रेन में यूज करने के लिए, ठीक है, 500 का, ठीक है। इसी में हमारे पास आ जाता है एक इनर वाला जिसके अंदर इनर लगी हुई होती है, वो 750 का आता है, सेम 1.5 किलो का है, इसमें इनर लगी हुई होती है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इनर में भी आई थिंक दो वैरायटी होती है, फ्लीस वाली, क्या है, एक फ्लीस वाली, एक फर वाली स्लीपिंग बैग। ये देखो, ये है स्लीपिंग बैग है, इसका टेम्परेचर कितना मिनिमम? ये -2-3 तक चल जाता है आपको, -2 तक जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और इसका क्या है वो प्राइस रेंज? ये 750। सेवन ये फ्लीस लगी हुई है, आप चाहते हो इसमें फ्लीस अलग करना तो ये फ्लीस आप इसके अंदर अलग भी कर सकते हो, डिटैचेबल है। ओके, ये फ्लीस का है, इसी के अंदर हमारे पास फर वाला भी मिल जाएगा आपको। ओके ओके, हाँ जी, ये 750 की रेंज में, ठीक है। इसी में आ जाता है फिर एक 800 वाला, 2 किलो का एक दिखा देगा। इसका वेट कितना किलो वाला? वो फिक्स वाला, 800 वाला। इसका वेट 1 किलो 400 ग्राम। वन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1 किलो 400 ग्राम है ये। इसी में मैं आपको एक दिखा देता हूँ, 800 रुपये वाला, 2 किलो वाला, ठीक है, ये 2 kg का वेट है। हाँ जी, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सब स्लीपिंग बैग्स में कलर मिल जाएंगे आपको। ये आ जाता है फिर 800 रुपये के लिए, ये 800 का होता है। तो आई थिंक इसकी विड्थ भी थोड़ी सी ज्यादा है, मुझे कंपेयर करो, हाँ फोनों से कंपेयर करोगे तो ज्यादा है। हाँ, ये 800 रुपये का है, इसका भी आप देख रहे होंगे लंबाई थोड़ी कितनी है। हाँ, इसके अंदर फिक्स पर है, इसके अंदर फिक्स पर लगी हुई है, ये फिक्स है। हाँ जी, और ये वॉशेबल भी है, हर एक पीस वॉशेबल है और वाटर प्रूफ है, आप मशीन वॉश करो, हैंड वॉश करो, ठीक है। ये 800 रुपये का, इसमें भी 4 कलर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक इनर आउटर, इसका जो आपने 800 वाला बताया, इसका टेम्परेचर -5 तक जाएगा। जो चीज हम दे रहे हैं गारंटी से देते हैं, फिर भी कोई चीज में कोई दिक्कत आया तो हमें आप रिटर्न एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, इसकी पूरी गारंटी है। ये पर्टिकुलर, ये फ्लीस वाला स्लीपिंग, आप साइज देखो, डिजाइन देखो, क्वालिटी देखो, फ्लीस लग रही है, ये फ्लीस लगा हुआ है, इसके अंदर भी फ्लीस डिटैचेबल है, आप चाहो तो फ्लीस को अलग कर सकते हो, फ्लीस की भी क्वालिटी देखो आप। ये सब हमारी खुद की बनाई हुई मैन्युफैक्चरिंग आइटम है हमारी, ये हमारी फैक्ट्री में बनता है। तो अगर मतलब कहीं पे ज्यादा ठंड नहीं है तो आप इसको निकाल, इसको निकाल के अलग यूज कर सकते हैं, और ठंडी ज्यादा है तो इसको आप लगा के यूज करो। हाँ जी, ठीक है। और ये सब वॉशेबल? सब वॉशेबल है, 1150 का, इसमें आप देख रहे होंगे 10 नंबर की चेन लगी हुई है। करेक्ट करेक्ट। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है -20-25 के लिए स्लीपिंग बैग,
सिक्स लेयर का, एक सिक्स लेयर वाला और दिखा दे बेटा। ये फिर आ जाता माइनस 20-25 के लिए स्लीपिंग बैग, जब आपको जाना बहुत ज्यादा ठंड में। इसका कॉस्ट कितना है? ये 1650 रुपए का, 1650 का। मतलब ये बहुत ज्यादा अगर आप हाई टेम्परेचर पे जा रहे हैं, लोएस्ट ही श्रीनगर वगैरह में और कहीं यूज करना हो, फॉल हो रहा हो, तो ये स्लीपिंग बैग बेस्ट है। इसकी क्वालिटी देखो, हाँ इसकी भी विड्थ काफी ज्यादा है कंपेयर करेंगे तो, और इसकी भी हाइट वही सेम 7 फीट हाइट है, 1650 रुपए का। इसको आप चाहो तो 7 फीट हाइट है, अलग कर सकते हो उसको। और इसमें एक फायदा हो रहा है कि अगर आप दो जने जा रहे हो तो अलग अलग करके एक ये ले सकता है और एक वो दूसरा यूज कर सकता है, दोनों में कैप हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, दो स्लीपिंग बैग है। इसमें भी हमारे पास कलर है अलग मिल जाएंगे, ये साइड चेन का, इसमें सेंटर चेन भी मिल जाएगा। इस 1650 के रेंज में हमारे पास 10 वेरायटी है। ओके अच्छा, 10 कलर अलग, हाँ कलर के साथ साथ डिजाइन भी अलग अलग है। ठीक है, मैं वो सब कुछ दिखा नहीं सकता ना, जितनी वैरायटी हमारे पास है। वैरायटी की कोई कमी नहीं है गाइस, सर आपको जो अच्छा लगे प्रोडक्ट, और साथ में आप सोच के आना कि कौन सा टेम्परेचर आपको किस टेम्परेचर में जाना है, ट्रैवल करना है, और उसके हिसाब से वो आपको दिखा। क्वालिटी आपको चाहिए तो हमारे पास आओ, क्वालिटी मिलेगी, प्राइस कंपेयर करो साथ में क्वालिटी भी कंपेयर करो। करेक्ट, और मैं ये देख रहा हूँ स्लीपिंग मैट्स भी है आपके पास, तो हाँ जी उसकी भी मैट्रेस में भी आप देख रहे होंगे कितने कलर है, और रोज नए नए कलर्स आते रहते हैं मेरे पास। और कैंपिंग टेंट की बात करें तो प्राइस रेंज किससे शुरू? कैंपिंग टेंट में आपको दिखा देता हूँ, कैंपिंग टेंट आता है ये वाला, ये 2% होता है, 2% ये 800 रुपए का है। ओके, इसमें डबल लेयर लोगे 1250 का, ठीक है, 4% लोगे इसमें 1000 रुपए का, और अगर किसी को वन लेयर पे ऊपर से और तिरपाल लेयर अलग से लेनी है तो 400 रुपए की, 400 की। हाँ जी हाँ जी, और ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक टेंट होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये इसमें 2 मैन मिल जाएगा, 4 मैन मिल जाएगा और 6 मैन भी मिल जाएगा। अच्छा, ये पॉपअप होता है, इसको ऐसे खोलो अम्ब्रेला की तरह और आपका टेंट तैयार। तो 2 मैन की कितने की? 2 मैन का पड़ेगा 1250 का, 4 मैन पड़ेगा 1650 का, 6 मैन पड़ेगा 2250 का। इसमें वाटरप्रूफिंग की जरूरत पड़ती है? नहीं, वाटरप्रूफिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं आपको दिखा नहीं सकता, हमारे पास वो अल्पाइन टेंट्स भी होते हैं, हट शेप वाले, 7 फीट 7x7 10x10, बड़ी फैमिलीज या जो रेंट पे लगा के देते हैं, कैंप साइट वाले जो लगाए हुए रखते हैं, स्विस कॉटेज टेंट, बड़े वाले हट शेप टेंट, किचन टेंट, बाथरूम टेंट, सब तरह के टेंट हमारे पास आपको मिल जाएंगे। जैसे ये आता है पॉपअप टेंट आता है, बाथरूम वाला ये आप देते होंगे कि चेंजिंग रूम, इसमें आप रूम चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ये मिल जाएंगे। ये हेडलैम्प आप देख रहे होंगे, सब तरह के हेडलैम्प मिल जाएंगे। ये फोल्डिंग वाली वाटर बॉटल जो है, ये सब मिल जाएंगे आपको। राइडिंग के सारे गियर्स मिल जाएंगे, लाइट में सारी वैरायटी मिल जाएगी, ट्रैकिंग पोल मिल जाएगी अगर आपको जाना है ट्रैकिंग में, स्टिक वाली, ये स्टिक काफी, ट्रैकिंग स्टिक है ये भी, हाँ जी हाँ जी, ट्रैकिंग के लिए ये काफी यूजफुल है। ये लाइट वाली है, इसमें बिना लाइट वाली भी मिल जाएगी, ये आई थिंक एडजस्टेबल भी है। हाँ जी हाँ जी, हाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, बात करें इसकी मतलब कितनी स्ट्रांग है, तो किस 150 किलो तक की कैपेसिटी का बंदा इस पर कर सकता है। बिल्कुल, तो गाइस भैया हमको बता देंगे कि लोकेशन क्या है एग्जैक्टली और कैसे रीच करना है यहाँ पे, और साथ ही में अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है इनसे तो वो मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो भैया आप बता दीजिए। ये शॉप हमारी विनायका सेल्स के नाम से है, आप गूगल पे भी अगर करोगे विनायका सेल्स शास्त्री नगर तो आपको लोकेशन मिल जाएगी, बाकी भैया भी आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा आपको दे देंगे। शास्त्री नगर जो कि रेडलाइन मेट्रो स्टेशन पे पड़ता है, रेडलाइन मेट्रो स्टेशन में शास्त्री नगर मेट्रो पे आओगे उससे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी शॉप है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से जैसे आप एग्जिट करोगे तो 200 मीटर भी नहीं है। 7 डेज ओपन है, सुबह रात को बस 11 बजे के बाद आप कॉल मत करो, जो भी इंक्वायरी है जो आपको चाहिए सुबह मैसेज करो, या मैसेज कर दो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। करेक्ट, सो गाइस 7 डेज खुलती है शॉप, कभी भी आपको आना है कॉन्टैक्ट कीजिए और आइए अकॉर्डिंगली अपना प्लान करके और खरीदिए पूरा स्टॉक जो भी अवेलेबल है भैया यहाँ पे। तो गाइस ये एक्सपीरियंस था हमारा मयंक जी के साथ, और बहुत वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ पे, अगर आपको कैंपिंग से रिलेटेड ए टू जेड कोई भी प्रोडक्ट लेना है आप इनके पास आ सकते हैं, ले सकते हैं, और साथ ही में जो भी मैंने प्रोडक्ट लिया है मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दूंगा कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है इनके साथ और किस रेट का लिया है और क्या क्या मेरे हिसाब से जो यूजफुल स्टफ है वो मैंने लिया है, वो भी मैं सब डिटेल डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, टेक केयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, लाइक भी कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Me, 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 me.